सीबीएसई क्लास टेन बोर्ड्स पे मेरे आए थे 97%। मैं इस मंजिल तक कैसे पहुंचा और आप भी मेरी तरफ इतने नंबर कैसे ला सकते हैं, चलिए इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। साइंस में मेरे आए थे 99/100। हाँ गाइस, तो साइंस के लिए मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ के गया था। और ट्रस्ट मी गाइस, जो भी पूरा 80 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, वो पूरा एनसीईआरटी से आता है। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है आपको, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, लाइक हर एक लाइन पढ़ना पड़ता है। अगर आपको मेरे तरह 99 स्कोर करना है, मेरा एक्चुअली टारगेट 100 था, अगर आपको उतना स्कोर करना है तो आपको पूरा एनसीईआरटी पूरा का पूरा सारी लाइंस पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एनसीईआरटी पूरा का पूरा याद कर लोगे ना, आपके तो यार पूरे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें क्या करना है आपको, बस एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ना है, इसके तो जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी करना है आपको। हाँ, एक्टिविटीज़ का प्रोसीजर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मटेरियल्स क्या क्या होता है, वो सब आपको याद करना है। एक्टिविटीज़ को तो सॉल्व ही करना, और इसके अंदर जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो भी आपको सॉल्व करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उससे उठा के क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटेड पूछता है। और ये भी आपको, ये वाले क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, ये वाले ये ब्लू कलर वाले क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये भी आपको सॉल्व करना हर एक चैप्टर का। हाँ, तो साइंस के लिए और मैंने क्या किया था, मैंने 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर के। और ट्रस्ट मी गाइस, उन 10 क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने सॉल्व किया था, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते तो देख लीजिए यार प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गया था। और इस साल उन्होंने कॉम्पिटेंसी लेवल भी बढ़ा दी, 50% कर दिया। कॉम्पिटेंसी कुछ नहीं है गाइस, आपको बस ही एनसीईआरटी पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने एनसीईआरटी एग्जाम पर भी सॉल्व किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस एनसीईआरटी एग्जाम पर। आपको अगर खरीदना नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगा गूगल में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एनसीईआरटी एग्जाम पर, क्योंकि कंप्लीटली फ्री है, सीबीएसई ने ही लॉन्च किया है। और आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, क्योंकि क्या है कि 50% कर दिया, तो सीबीएसई वेबसाइट पर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का भी एक बुक मिल जाएगा, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने 5 सैम्पल पेपर भी लगाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सैम्पल पेपर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था वो भी किया था, और जो अलग वेबसाइट्स के होते वो भी किया था। और मैंने ओसवाल बुक भी सॉल्व किया था, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन थे, एग्जाम के क्वेश्चन थे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बहुत सारे थे। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम पर खरीद लो, और एनसीईआरटी पहले इसको प्रायोरिटी दो, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी कर लो, ये कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो। आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा हैंडराइटिंग जनरली बहुत ख़राब होता है, हाँ गाइस बहुत ख़राब होता है मेरा, तो मैं ठीक एक समझने लायक हैंडराइटिंग में लिख के गया, और मेरा 99 आ गया। और मैंने एक्सपेक्ट भी 99 किया था, क्योंकि मेरा एक नंबर पेपर कट गया था, केस बेस्ड स्टडी में कट गया था। आपको ये गलती नहीं करता, आपको ध्यान से एक बार पेपर लिखने के बाद एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। अगर जो भी मैंने बताया, अगर आप ये करेंगे तो आपको साइंस में 100/100 लाने से कोई नहीं रख सकता। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो बात करें SST यानी सोशल साइंस में, मेरे आए थे 98/100। SST में ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने, एग्जाम के 10 दिन पहले एनसीईआरटी याद कर रहा था मैं, पूरा एनसीईआरटी याद करके गया था, पूरा साल मैं SST नहीं पढ़ा, बस एनसीईआरटी पढ़ के गया था मैं। और मैंने 98 आ गया कैसे, देखिए एनसीईआरटी मैं पूरा लाइन बाय लाइन तो याद करके गया ही था, पूरा पढ़ रहा था। आपको ना SST के लिए बस पूरा स्टोरी समझ लेना था, सारे जो भी स्टोरी है समझ लेना, और अपने शब्दों में ठीक ठाक इंग्लिश में लिख देना। अभी इस साल क्या हुआ था कि अपने अंडरस्टैंडिंग के बीच में, यानी हमारे अंडरस्टैंडिंग के बीच में, हमारा ओपिनियन पूछते हुए क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे ओपिनियन को इलाबोरेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। क्यों यार, देखिए अपना ओपिनियन है यार, हम कुछ भी लिख सकते हैं यार, बस इससे थोड़ा लिंक्ड होना चाहिए सब्जेक्ट से, थोड़े अच्छे पॉइंट्स लिख लो अपने तरफ से जो हमारे मन में आता है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन तो सबसे आसान होता है। तो उसमें मैंने स्कोर किया था बहुत, शायद मैंने फुल ही स्कोर किया होगा, क्योंकि जो मेरे 2 मार्क्स कटे थे MCQ में कटे थे। तो और आपको ना पूरा NCERT पढ़ना, यानी जो सोर्सेस होते हैं वो भी पढ़ना है, लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ना है, और आपको इमेजेस भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और मैंने SST के लिए यार प्रीवियस क्वेश्चन भी किए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हाँ गाइस, और SST में बोलूँ तो सबसे ईजी पेपर है स्कोर करने के लिए, बहुत ईजी SST में स्कोर करना, बस आपको NCERT याद करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, मैथ्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, मेरे मैथ्स में आए थे 96/100। और एक टाइम पे मैं भी मैथ्स से डरता था, टाइम टू टाइम मैंने ये डर को हटा लिया, कैसे, प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा, वैसे ही जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आप मैथ्स को मास्टर कर लोगे।
उतनी जल्दी मैथ्स में आप परफेक्ट हो जाओगे और आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया था, पहले ना पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देगा, आपको सबसे बेसिक चीज एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर देगा, क्योंकि 40 से 50 मार्क्स 80 में से एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। फिर अगर आपको लाइक आपको 80 में से 80 स्कोर करना है, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जामिनर भी करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी एग्जामिनर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसी के बेस्ड में ज़्यादातर बार आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, मैंने ऑब्जर्व किया था ये एनसीईआरटी एग्जामिनर के बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। इस बार कॉम्पिटेंसी का लेवल भी ज़्यादा कर दिया है, तो शायद आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सीबीएसई की तरफ से उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बुकलेट दिया है, वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सैम्पल पेपर और नीचे जो मैंने कॉम्पिटेंसी दिया है वो, ये पांच चीज़ें आप करोगे तो मैथ स्टैंडर्ड में आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा 100 नंबर लाने से। मैंने मैथ स्टैंडर्ड लिया था, और अगर आपने मैथ्स बेसिक लिया है तो कोई बात नहीं यार, और आसान हो गया काम। एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कीजिए, आपका काम खत्म। 80 तो मिल जाएंगे यार, 80 में से सोचने की बात है, मिल जाएंगे आपको। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की, इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने पूरा जो एनसीईआरटी के दो बुक्स होता है उसको पूरा पढ़ के स्टोरी समझ के पूरा अच्छे से स्टोरी मेरे मन में आ गया था, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लाइन सब कुछ याद किया, ऑथर्स के नाम पोएट्स के नाम सब कुछ याद करके, जो लिटरेचर पार्ट में जो भी क्वेश्चन पूछते थे वो मैंने याद अपने शब्दों में एक फॉर्मेट में लिखा था, इंट्रो कंटेंट और कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में मैंने लिखा था। जो फ्रेजेस जो मैंने याद किए थे, जो ऑथर्स के नाम जो पोएट्स के नाम याद कर दिए थे, उनको ऐड करके एलाबोरेट करके अच्छे शब्दों में ठीक ठाक इंग्लिश में लिख दिया। अकॉर्डिंग टू मी शायद मेरे लिटरेचर में 40/40 आए हूँ। अभी मार्क्स मैंने कहाँ कटे थे, पैसेज में कटे थे। आपको ये गलती नहीं करनी, मैंने प्रैक्टिस पैसेजेस को नहीं किया था, पैसेजेस को प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने। आपको क्या करना है, पैसेजेस प्रैक्टिस करना है, आज से स्टार्ट करो। हर दिन एक पैसेज आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स याद। मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्क्रिप्शन में निकाल दूंगा, अब जाइए सॉल्व करिए। ओके, और ग्रामर जो होता है वो भी प्रैक्टिस के साथ आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन एक सीख लेता रिपीट होते हैं ग्रामर्स, इस साल भी होते हैं। अगर रिपीट नहीं हुए तो सेम उसी फॉर्मेट के ही आते हैं। तो ये सब मैंने किया था, जो लेटर राइटिंग होता है, पैसेज राइटिंग होता है, ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। हाँ गाइस, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, पटले के वीडियोज़ मिल जाएंगे कैसे करते हैं ये सब, या नागिन फ्रेम्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे कैसे लिखना है, कैसे फ्रेजेस यूज़ करना है। तो ये सब देख के यार मैंने कर लिया था, अच्छे से लिख के आया था, अच्छे ठीक ठाक हैंड राइटिंग में, और आए थे मेरे इंग्लिश में 94/100। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, हिंदी। मेरे सबसे कम नंबर हिंदी में आए थे, 89/100 आए थे, यानी कि 69/80 में 11 नंबर कर लिए थे। तो क्या हुआ मेरे से, क्या गलती हुई यार, ग्रामर में गलती हुई यार। आपको ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस करना, शुरू से प्रैक्टिस कर लेना, मैंने एंड पॉइंट पर जाकर ग्रामर प्रैक्टिस करी, यही गलती हुई मेरे से। और पैसेजेस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और लिटरेचर बहुत आसान था इस साल का, हिंदी का मैंने अच्छे से पढ़ के कहा, अच्छे से पढ़ के कहा इससे आसान था, ऐसे नहीं कि आसान था। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ भी आसान हो जाएगा आपको ना, पूरा लिटरेचर जो भी टेक्स्ट बुक है पूरा आपको याद कर लेना, याद करके नहीं तो एटलीस्ट समझ के अपने वर्ड्स पर लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स करना एक स्पेलिंग मिस्टेक का आधा मार्क्स लगते हैं। और आपको ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक टीचर है जिनका नाम है आशीष अध्यापक, मेरा ही नाम है पता, पर ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आशीष अध्यापक नाम है इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी अध्यापक इनके चैनल का नाम, इनसे देख लीजिए आपका हिंदी अच्छे से जाएगा, 90+ स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आगे सब्जेक्ट की ओर, नेक्स्ट सब्जेक्ट है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग के लिए IT, कुछ लोग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ लोग के लिए पेंटिंग, पर ये सारे सब्जेक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं AI की बात करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स के होते हैं, और मेरे 100 में से आए थे 98, यानी कि 50 में 48 आए थे। ये जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत आसान होते हैं और बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ गाइस, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, मैंने आसानी से 98/100 स्कोर कर लिया। जो आपको स्कूल से नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रिंटेड नोट्स जो भी देते हैं, वो आपको पूरा याद करके जाना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं AI के, वो देख के चले जाइए। देखिए ये AI जो होता है या IT जो होता है या पेंटिंग जो होता है बहुत आसान होता है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसानी से 100 नंबर लिया जा सकता है। मैंने 100 एक्सपेक्ट किया था, पता नहीं क्या हुआ 98 आया मेरे, अच्छा है कोई बात नहीं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे। और प्लीज़ गाइस कंसिस्टेंट रहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन आप स्किप करेंगे, दो दिन स्किप करेंगे, फिर बाद में करेंगे, हर दिन कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। मैंने भी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया था और मेरे इतने नंबर आए। और मैं ये नहीं बोल रहा यार कि अपने पार्टीज अवॉइड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना अवॉइड कीजिए, ये सब मत कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। ये भी करिए, मैंने ऐसे ही किया था यार, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जाता था, खेलने जाता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, सब कुछ करता था, मैं टीवी देखता था, फ़ोन देखता था। ऐसा नहीं है कि यार फ़ोन और टीवी मत देखो, पर सब कुछ एक लिमिट में कीजिए,
सबको, यानी कि मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सब कुछ एक साथ कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे से कुछ डाउट पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम दिया है, मैं तो यही पर देता हूँ, दी आशीष एंटनी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने को। थैंक यू गाइस।